हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीषा किचन। आज हम बनाएंगे मक्खन से घी। ये मक्खन मैंने आज ही निकाला था, फ्रेश है। हम अब मक्खन से घी बनाना शुरू करते हैं। हमने इसको गैस पर रख दिया है, गैस चालू कर लेते हैं। गैस को हम इसी तरह चालू करके रखेंगे। गैस को मैंने फुल पे रखा हुआ है और मक्खन से घी बहुत ही आसानी से निकल के तैयार हो जाएगा। इसे हमें इसी तरह चलाते हुए रखना है, अन्यथा नीचे लग जाएगा। धीरे धीरे करके पूरा घी इसी तरह मेल्ट हो जाएगा मक्खन। हमको बस इसको इसी तरह से चलाते हुए रहना है धीरे धीरे। ये देखिए, हमारा पूरा मक्खन अच्छे से मेल्ट हो गया है। इससे कुछ ही देरों में घी निकल के तैयार हो जाएगा। हमें बस इसको इसी तरह से चलाते हुए रखना है। गैस को हम मीडियम कर देंगे। बस हम इसको इसी तरह चलाते रहेंगे। ये देखो, इसमें से धीरे धीरे छाछ और घी अलग होने लग गया, सॉरी मक्खन और घी अलग होने लग गया। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से मक्खन के अंदर जो छाछ होती है वो पूरी अलग हो जाएगी और हमारा घी निकल के तैयार हो जाएगा। अभी इसको बनने में और टाइम लगेगा। ये देखिए, इसमें से पूरे झाग हट गए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें झाग नहीं बचे हैं बिल्कुल भी। इसी तरीके से पूरी छाछ अलग हो जाएगी और हमारा घी अच्छे से बनके तैयार होगा। अब बस हमें इसे 2 से 3 मिनट और पकाना है, जिससे कि इसे पूरी छाछ अलग हो जाए और फिर हमारा घी बनके तैयार हो जाएगा। हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देना है। ये देखो, हमारा घी अच्छे से बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे गैस को ऑफ बंद कर देते हैं। इसे ठंडा होने तक इसी में छोड़ देते हैं इसको। उसके बाद हम इसे छान के किसी भी कंटेनर में या बर्नी में भर के रख देंगे। ये देखो, बिल्कुल हमारा घी अच्छे से बनके तैयार हो गया है। इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। देखो, हमारा घी ठंडा हो गया है, कितने अच्छे से दिख रहा है। इसमें कोई गंदगी नहीं है। मैं इसको छान के एक कंटेनर में भर लूँगी। ये देखो, मैंने घी को छान लिया है। इस मक्खन से ये घी बनके तैयार हुआ है। आप भी इसी तरह बनाइए और शुद्ध घी निकालिए घर पर ही। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए, जिससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।